डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर संतोष जताया। उन्होंने कहा, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी स्कूल खोलने को लेकर फैसला करेगी। वहीं गृह मंत्री ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने इंदौर में शराब व्यापारियों के बीच गैंगवार मामले पर कहा, पुलिस दोनों पक्षों पर NSA के तहत कार्रवाई करेगी। वहीं गृह मंत्री ने पूर्व CM कमलनाथ के प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर किए ट्वीट को लेकर कहा, कमलनाथ अपने प्रदेश का ही शास्त्र बिगाड़ कर चले गए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मणिपुर में कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफे पर कहा, लोग राहुल बाबा का अनुसरण कर रहे हैं, जिन्हें जाना है वो चले गए हैं। वहीं UP चुनाव को लेकर गृह मंत्री ने कहा, UP में योगी का परचम लहराएगा। कमलनाथ जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, मैं भी कोशिश करूंगा उनसे अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने की, पर जो इस प्रदेश का शास्त्र बिगाड़ के चले गए वो अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। इस बार तो योगी जी का परचम है लहरा रहा है, पार्टी के काम और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया राज समाप्त हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास के नए सोपान गढ़ रहा है, उससे स्वाभाविक रूप से अब भारतीय जनता पार्टी फिर दो तिहाई बहुमत से आएगी। अगर कांतिलाल भूरिया की इसी तरह से उपेक्षा की गई, उनको विधायक बना लिया और मंत्री नहीं बनाया, माननीय सुभान सिंह सोलंकी जी को उप मुख्यमंत्री तक आने के बाद कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, खुद दिग्विजय सिंह जी बन गए,